सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? NAO एक स्वायत्त प्रोग्रामेबल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको पेरिस रोबोटिक्स कंपनी के मुख्यालय में एल्ड ब्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया है। अगस्त 2018 में रोबोट लैब ने स्कूलों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच जारी किया जो STAM कोडिंग और इंजीनियरिंग के लिए NAO के उपयोग की पड़ता है। नाउ प्रोग्रामिंग सिखाने और गानव रोबोट परस्पर क्रियाओं में अनुसंधान करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए एक शोध रोबोट के रूप में से उपलब्ध है। 2004 से जब NAO का निर्माण हुआ है तब से ही ना सिर्फ शिक्षा में बल्कि स्वास्थ्य देखभाल में भी काफी नाम कमाया है। सितंबर 2015 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ने रोबोटिक आत्मकथात्मक स्मृति की एक प्रणाली का परीक्षण करने के लिए NAO रोबोट का इस्तेमाल किया जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और बुजुर्ग मरीजों की सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था। 15 अगस्त 2007 को NAO ने सोनी के रोबोट कुत्ते एडबो को रोबोट कंपनी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म लीग ASPL एक अंतरराष्ट्रीय रोबोट सोकर प्रतियोगिता में उपयोग किए जाने वाले रोबोट के रूप में प्रतिस्थापित किया। नाउ का इस्तेमाल रोबोट कप 2008 और 2009 में किया गया था और नोवेयर को रोबो कप 2010 में SPL के लिए मंच के रूप में चुना गया था। 2015 के मुताबिक तकरीबन 5000 NAO यूनिट्स का इस्तेमाल 50 देशों से ज्यादा में हो रहा है। क्या आपको लगता है रोबोट 3 में भी वसीकरण भी ऐसे ही किसी नए रोबोट का निर्माण करेंगे? आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज़।